और बड़ी खबर वायनाड आपदा से जुड़ी हुई है, जहां अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। अलग अलग जगह 46 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से बड़ा नुकसान पहुंचा है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं, जिनके लिए फिलहाल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिमला के रामपुर में सेना ने अस्थायी पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। कई जगह लोगों के फंसे होने की खबर है, जिसके चलते सेना ने खुद मोर्चा संभाला। कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने अस्थायी पुल का निर्माण किया, जिसके बाद सैलाब के बीच फंसे लोगों को अब सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। शिमला के रामपुर से आप ये तस्वीरें देखिए, अस्थायी पुल का निर्माण यहाँ सेना के द्वारा किया गया है और लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने का काम जारी है। शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी कहर में कई लोगों ने अपने घरों को तो कई ने अपनों को खो दिया है। जगह जगह कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर सेना ने खुद मोर्चा संभाला। पहले कड़ी मशक्कत के बाद रास्तों से पत्थर हटाकर अस्थायी पुल का निर्माण किया, जिसके बाद फंसे लोगों का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू वहां किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पहले जो पत्थर रास्ते पर आ गए थे उन्हें हटाने का काम किया गया सेना के द्वारा, फिर अस्थायी पुल का निर्माण हुआ और अब वहां जो लोग फंसे हैं उन्हें एक एक करके वहां से निकाला जा रहा है। युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में तबाही का दौर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वहां से सामने आई है, जिसमें पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दिया और ऊपर से चट्टाने गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता जो है वो टूट गया था और लोग वहां फंस गए थे। अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही है। सोनप्रयाग में किस तरह से तबाही मची है, पत्थरों की बारिश हो रही है सड़क के ऊपर, ऊपर से पत्थर जो है वो नीचे जो पैदल मार्ग है वहां पर गिर रहे हैं। ऐसे में कई लोग वहां जो फंसे हुए हैं निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ ने खुद वहां मोर्चा संभाला हुआ है। कई लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल भी लिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो यहां फंसे हो सकते हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थर गिरने से कई किलोमीटर तक पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते कई जगह लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए सेना अस्थायी पुल का वहां निर्माण कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड के सोनप्रयाग से तस्वीर, क्योंकि इसी के आगे जो रास्ता है वो गौरीकुंड जाता है और फिर केदारनाथ के लिए लोग यहां से जाते हैं, लेकिन बादल फटने की वजह से भारी तबाही यहां मची है और लोगों को बचाने की कोशिश सेना और एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और अस्थायी पुल का निर्माण कर वहां से लोगों को जल्द से जल्द निकालने की कवायद पर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान है। ब्यास नदी का पानी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है और वहीं आप देखिए गाड़ियों का आना जाना भी वहां रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत में प्रशासन फिलहाल जुटा हुआ है। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर क्रैक भी देखा जा रहा है। तस्वीरें हिमाचल के मनाली से, जहां पर ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से, ब्यास नदी में उफान की वजह से सड़कों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। जगह जगह जो रास्ते हैं वो टूट गए हैं, यात्री फंस गए हैं और वहां पर भी रेस्क्यू जारी है। बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का संपर्क गांव और शहरों से टूट गया है। केरल के वायनाड में 5 दिन से जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं शिमला के रामपुर में कई लोगों के लापता होने की खबर है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद कई शहर बेहाल है। पुणे में शहर
झील में तब्दील हो गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी सैलाब का कहर जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगभग आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जल प्रहार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद कई जिलों के हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों से घरों तक सिर्फ और सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आ रहा है। पुणे से लेकर नासिक में क्या घर क्या मंदिर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। नासिक में गोदा घाट पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गोदा घाट पर कई मंदिर पानी में समा चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई जहां पर मंदिर और घाट सब कुछ पानी के भीतर समाधि ले चुके हैं। मानिए, देखिए पानी में ये सड़कें समा चुकी हैं। नासिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पानी में ये मंदिर डूब गया है, घाट डूब गए हैं। कुछ भी अगर वहां पर दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी। कहां रास्ता है, कहां मंदिर है, कहां घाट है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। यह तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई है। और महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर है। हालात को देखते हुए पुणे में एनडीआरएफ की दो टीम को तैनात किया गया है, साथ ही सेना को रेस्क्यू के लिए वहां पर भेजा गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें, मेट्रो स्टेशन में पानी भर चुका है, पुणे की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में भी देखिए, यहाँ पर रिहायशी इलाके जलमग्न दिखाई दे रहे हैं, डूब चुके हैं और उसी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर है। कई लोग वहां पर फंसे भी हुए हैं, जिसके लिए आपको बताएं कि सेना को भेजा गया है एनडीआरएफ ने, कि दो टीमें वहां पर तैनात की गई है ताकि जो लोग इन इलाकों में फंसे हो सकते हैं उन्हें वहां से निकालकर कम से कम सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से। आप ये तस्वीरें देखिए, घरों में रहने की चेतावनी जारी की गई है क्योंकि सड़कें, पुल सब कुछ इस वक्त दरिया बन चुकी है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी। ऐसे में कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर जो कि पानी में डूबे हुए, वहां से सुरक्षित जगह पर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद है जो उन लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। मूसलाधार बारिश जो है वो चलने के कारण कैचमेंट में काफी बड़ी मात्रा में पानी जो है वो इन बांधों में जमा हो रहा है, जिसके चलते लगभग 35,000 क्यूसेक जो है डिस्चार्ज खड़कवासला डैम से किया जा रहा है और उसके चलते जो नदी के सटीक इलाके हैं वहां पर कई जगहों पर बिल्डिंग के पार्किंग में पानी भरा हुआ है। पिछले बार जब पानी इन बिल्डिंग के इसमें भरा था, पार्किंग में भरा था या इस इलाके में भरा था, तब लोगों को काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था, गाड़ियों का काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। और इसी को लेके चलते इस बार प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क है। यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने की सूचनाएं जो है वो कल शाम से लगातार दी जा रही है, जिसके चलते ये लोग जो है वो यहाँ पर ना रहे या फिर बाहर निकले। पानी जो है वो लगातार डिस्चार्ज बढ़ा जा रहा है, बाहर जो है लोग घरों से बाहर निकले, सुरक्षित जगहों पर जाकर रुके, इसके लिए स्पीकर पर या फिर हुटर पर सूचनाएं जो है वो दी जा रही है। हम देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के लोग, जवान जो है वो यहां पर पहुंचे हैं, आर्मी की भी मदद ली गई है, बोट्स जो है, लाइफ सेविंग जैकेट जो है वो सारे इस्तेमाल करके यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तैयारी जो है वो भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गई। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए वहां भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है, यानी कुल मिलाकर वहां तबाही देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये गाड़ियां या मलबे में दबी हुई हैं और लगातार इसी तरीके की स्थिति वहां से देखी जा रही है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां पर सेना ने फिलहाल मोर्चा संभाला हुआ है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गए चार लोग चट्टानों के बीच नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसा देख मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं पानी के तेज बहाव के बीच चारों युवकों के हाथ रेलिंग में लगी चेन हाथ लग गई और वो जहां थे वहीं रुक गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने चारों को सकुशल बाहर निकाल लिया। तो तस्वीरें देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीर, जहां पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुंचे थे लेकिन जलस्तर यहां इस कदर था कि उस सैलाब में ये लोग बहने लगे। हालांकि किसी तरह आसपास मौजूद लोगों ने
उन्हें उनकी मदद की और सकुशल उन्हें बाहर जरूर निकाल लिया, लेकिन खतरा है अभी। आपको जो पानी वाले इलाके हैं वहां से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नदी नालों से इस वक्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में इनका जलस्तर किसी भी वक्त बढ़ सकता है। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को निकालने में जी जान से जुटी है। केदार घाटी में अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1,000 यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा वहां मंडरा रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी की ये तस्वीर है, जहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी हजारों लोग घाटी में फंसे हैं, ऐसी जानकारी वहां से सामने आ रही है, और उन लोगों को सुरक्षित निकालने की कवायद वहां चल रही है। लेकिन इस बीच खतरा ये भी है कि ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड इस बीच हो सकता है। पहले ही बादल फटने की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। उत्तराखंड के केदार घाटी में सोनप्रयाग पर इस वक्त सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं सेना ने एक जो डोर है यहाँ से लेकर दूसरी तरफ फैलाई हुई है, दूसरी तरफ जो गौरी कुंड की तरफ का जो सिरा है वहां को तरफ एक रस्सी जो है डाली गई है। रस्सी क्या है, ये एक बहुत मजबूत डोर होती है जो बनी होती है, और उसमें अब ये पिंजड़ा नुमा एक यहाँ से भेजा जा रहा है। उसमें क्या सामान भेजा जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है उसको पाटा जाएगा और उसमें जो है अस्थायी पुल बनेगा, जिसमें घोड़े खच्चर और जो लोग वहाँ फंसे हैं वो आ सकते हैं। इसको आप न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, क्योंकि इस वजन को यहाँ पर डाला गया है, शायद 70-80 किलो का वजन इस हिसाब से डाल रखा कि ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा। और उसके बाद दूसरी तरफ सेना के जो जवान हैं वो भी आपको दिखाई देंगे कैमरे पर। ये सब इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ के जवान इसको खींचेंगे और इस डोर को यहाँ से छोड़ा जाएगा, और धीरे धीरे ये पिंजड़ा नुमा जो जिसमें वेट रखा गया है वो यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा, और ऐसे करके इस पुल को देखिए यहाँ से अब ढीला किया जा रहा है इस रस्सी को। ये एक अस्थायी पुल की सिचुएशन होती है कि किस तरह से इसे बनाया जाए, और दूसरी तरफ के सेना के जवान जो है वो इसे खींच रहे हैं। और उधर वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। वायनाड में कुदरत के कहर में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है। मौके पर लगातार सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चार दिन में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके लिए वहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हजारों लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है, लेकिन कई ऐसे लोग जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश वहां चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस मलबे के अंदर अभी भी कुछ जिंदगियां फंसी हुई हैं। युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस बीच महाराष्ट्र के सतारा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़की 150 फीट खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक 5 लड़के और 3 लड़कियां घूमने के लिए पहुंचे थे, तभी एक लड़की का सेल्फी लेते वक्त पैर फिसल गया और वो सीधा खाई में जा गिरी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। तभी वहां मौजूद ट्रैकर्स ने सूझबूझ दिखाते हुए लड़की को बचा लिया। तस्वीरें आप देखिए, सेल्फी लेना इस लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बार बार हालांकि इसे बचा लिया गया, अभी इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सतारा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।